सर्वेश इन्फो में आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल के वक्त में हर आदमी इतना बिजी है कि उसको टाइम ही नहीं है, ना स्टूडेंट को, ना नौकरी करने वाला, बिजनेसमैन, लेडीज, कोई भी हो, सब ओवर बिजी हैं। अगर कोई आपके लिए टाइम निकालता है तो समझो कि वो आपके लिए बहुत बहुमूल्य है, उसने अपना समय निकाला। आज समय किसी के पास नहीं है, तो इस पे कहा है कि अगर वो अपने आप को, अपना खुद का काम छोड़ के आपके देखता है तो उसके आप कर्जदार बन जाओ, ताकि जब कर्जदार बनोगे तो आप कुछ ना कुछ उसके लिए काम करते रहोगे। और कोई अगर अपने आप में व्यस्त होने के बावजूद आपके लिए वक्त निकालता है तो उसके वफादार हो जाओ, ताकि उस वक्त उसको कभी जरूरत पड़े तो आप सबसे पहले खड़े हो उसके लिए, तो ये जिंदगी का आनंद मिलता है, इससे भगवान खुश होते हैं। एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा था, प्रभु आपकी पूजा क्या करनी है, तो भगवान ने कहा था खुद भी खुश रहो और अपने काम करते रहो, और जब कभी देखो कि अपना कोई ऐसा है सामने वाले को मुस्कुराते रहो और उसके काम भी कर दो, तो ये मेरी पूजा है। इसके अलावा अक्सर लोग क्या करते हैं, खुद बिजी नहीं होते बट दूसरे को जब कभी जरूरत हो तो अपने आप को ऐसे दिखाते कि मैं तो बहुत बिजी आदमी हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो ऐसे लोगों से बच के रहो। और अगर कोई अपना है तो उसकी चिंता ही अपने दिल में रखो, शब्दों में नहीं, और अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में होता है, जब कोई अपना है तो उसको मुंह से बोल दो, बस यही अपनापन है, यही एक अच्छा है। एक और बहुत अच्छा विचार बता रहा हूँ, इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, और भगवान से पहले माता पिता की पहचान ले तो जिंदगी में कभी कभी कोई कठिनाई आती ही नहीं है। क्या एक बार फिर दोबारा बता रहा हूँ, शिक्षा से पहले संस्कार चाहिए, व्यापार से पहले अच्छा व्यवहार चाहिए, भगवान से पहले माता पिता की पहचान होनी चाहिए, उनकी सेवा होती रहे, उनको खुश रखे, तो जिंदगी में कभी कठिनाई नहीं आती है। आज के वक्त हम देखते हैं कि लोग अक्सर परेशान है क्योंकि वो इस फार्मूले पर चलते ही नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज आपके लिए अपने लिए नहीं बनी, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता, दरिया अपना पानी नहीं पीता, पेड़ खुद अपना फल नहीं खाते, फूल अपनी खुशबू अपने नहीं बिखेरते, मधुमक्खी खुद अपना शहद नहीं खाती। मालूम है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए ही जीना ही असली जिंदगी है, दूसरों के लिए जीना ही जिंदगी है। इसलिए अच्छे काम करो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, और सब मिलजुल कर एक खुशी का माहौल बनाकर अपना टाइम पास करो, इससे बढ़ के सुख कोई बहुत संभावना ही नहीं नजर आती। सुख बहुत चीजों में है, ऐसा नहीं कह रहा कि यही चीजें हैं, इन चीजों का पालन करने से हम अपने आप को सुखी रख सकते हैं। जब सुखी रहेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, कोई बीमारी नहीं लगेगी, और स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। मैं इस वीडियो को आपको इसलिए खुशी से दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, और आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और अगर आपको अच्छा आए तो कोई कमेंट अपने भेजें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।